नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बजाज द फैक्टरी में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम निकले हैं सच की खोज में, एक ऐसा सच जो शायद आज तक आप तक नहीं पहुंचा। मीडिया ने पिछले एक साल में जो डेरा सच्चा सौदा और बाबा जी के बारे में बताया, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, उसी सच्चाई की खोज में निकले हैं हम डायरेक्ट लोगों के बीच, उनसे जानते हैं उनके विचार। सर आपका नाम? मेरा नाम सत्यवान इंसा है। सर आपकी क्वालिफिकेशन? मैं हाई स्कूल किया है। सर आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हुए हैं? लगभग 18-20 साल हो चुके हैं। 20 सालों में क्या आपने कभी डेरा में गलत होते कुछ देखा? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी पूरी फैमिली, मेरे बाद में सारे रिलेटिव जितने हैं वो सब जुड़े हैं, हमारी माताएं बहनें सभी लोग दरबार में आते हैं, पर अब निरंतर आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। मीडिया ने जो दिखाया डेरा के बारे में और बाबा जी के बारे में, उनकी बातों में क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जब से डेरा सच्चा सौदा के बाबा डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में जो उलट पुलट दिखाया गया, उसके बाद में मीडिया से विश्वास ही उठता है। कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, जो सच्ची खबर भी वो दिखा रहे हैं वो भी हमें झूठी दिखाई देती है। मीडिया से पूरा 100% विश्वास हमारा उठ चुका है। क्या आप डेरा सच्चा सौदा में बहन बेटियाँ कितनी सेफ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने सेफ बच्चे हमारे घर में नहीं रह सकते, हमारे घर में भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अधिकांश ऐसे कांड होते रहते हैं, दरबार में हमें घर से ज़्यादा महफूज अपने बच्चे लगते हैं। गुरु जी ने किस तरह की शिक्षा दी है आपको? सतगुरु ने हमें यही शिक्षा दी है, सबसे पहले अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद में बाहर आपके अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में कोई भी दुखी है, भूख प्यास से तड़प रहा है, बीमारी से लाचार है, उसका इलाज कराना, उसके खाने की व्यवस्था करना, बेरोजगार है उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें सतगुरु ने सिखाई है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गुरु जी के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इतिहास गवाह है, जितने भी हमारे देश भारत में जितने भी संत महापुरुष ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए हैं, समय के रहते दुनिया वालों ने उन पर ईंट पत्थर न जाने कितने कितने भयानक गंदे आरोप लगाकर उनको जेलों में ठूसा गया, उनको यातनाएं दी गई और उनके जाने के बाद में फिर उनके मंदिर खड़े कर दिए। आज उनके नाम पर भंडारे चलते हैं, अनेकों संस्थाएँ चलती हैं, लेकिन समय के रहते सतगुरु को नहीं मानते। लेकिन ये 7 करोड़ लोग आज आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, ये सब लोग भांग खाई हुए तो है नहीं, ये नशा तो कर नहीं रहे, नशा छुड़वाया जाता है यहाँ पर, ठीक है जी, ये लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, पागल नहीं है। एक दो आदमी ने खड़े होकर के डेरे की संपत्ति हड़पने के लिए आरोप लगा दिए। ये है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई जो सुनी है आपने लोगों की जबानी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ।